7 मई को हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जगह बड़ी तैयारी चल रही थी, तो वहीं इन तैयारियों को लेकर जिले के मोरवास थाना प्रभारी धर्मेंद्र मौर्य और उप निरीक्षक वीडी सिंह के मतदान जांच दलों के साथ हमारी टीम ने वोटिंग के पहले और इसके बाद शासन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा और मतदान प्रतिशत का जायजा लिया था, जिसमें आनंदपुर, जावती, मोरवास, बलरामपुर और बड़खेड़ा, घोसी आदि पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। पोलिंगों पर पीठासीन अधिकारी से लोकसभा मतदान की तैयारी, वोटिंग और शासन के इंतजामों और पुलिस सुरक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। उसके बाद तहसील के आला अधिकारियों से टोटल वोटिंग प्रतिशत और मतदान के प्रति जनजागरूकता के विषय में बात कही गई। तो वहीं विदिशा जिला कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य की उनके कुशल मार्गदर्शन में चुनाव की सटीक और सहज तैयारी को लेकर प्रशंसा की गई। प्रशासन द्वारा की गई है जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि मतदान अधिक से अधिक हो जी। जैसा कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि मतदान की जो प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए, तो हम गांव वालों से कह भी रहे हैं कि कल के दिन मतदान में अधिक से अधिक अपनी भागीदारी रखें और इस पर्व को अच्छे से मनाएं। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी वगैरह भी लगाए गए हैं प्रशासन की ओर से? जी जी जी। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ आपका जो रहेगा मतदान के लिए, आपने कहाँ पर पोलिंग बनाया है, किस जगह पर मतदान मशीन रखेंगे आप? देखिए, जैसा कि बाहर से दिया हुआ है, थियोरेटिकल है, वैसा का वैसा ही हमने किया हुआ है। जी जी। और ये मतदान इसी कमरे में रखेंगे आप? कमरे में हम रखेंगे। अच्छा अच्छा और ये मतदान केंद्र काफी अच्छा है जी, व्यवस्थाएं काफी सुचारू रूप से हो सकती है। यहाँ के TI साहब ने आपके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ाई है, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप इनसे? नहीं, मतदान के दौरान इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, बस यही हम इनसे अपेक्षा रखते हैं, और मतदान सुचारू होता रहे, बस यही अपेक्षा। सर, जैसा कि मतदान केंद्र है ये मोरवास का, ये पोलिंग क्रमांक क्या है? 97 है। यहाँ पोलिंग पार्टी आ चुकी है? हाँ जी। तो आपके द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है सभी पोलिंग केंद्रों का, सुरक्षा की दृष्टि से भी जायजा लिया जा रहा है, कैसी क्या स्थिति है? सब बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएँ लगी हुई हैं, पोलिंग पार्टी आ चुकी है। यहाँ पीठासीन अधिकारी यहाँ होंगे, आप हैं पीठासीन अधिकारी जी? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मनमोहन कुशवाहा जी। कहाँ से आपको यहाँ पर भेजा गया ड्यूटी? ग्यारसपुर से ड्यूटी के लिए भेजा गया है। यहाँ आकर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा? नहीं, अभी तक तो कुछ भी असुविधा नहीं, सभी चीज़ों की सुविधा है आपको यहाँ पर मौजूद है। और क्या कुछ तैयारियाँ हैं कल मतदान के लिए? कल के लिए पूरी तैयारी हमने कर रखी है। सुबह 5:30 बजे हमारी अपेक्षा है कि एजेंट जो है समय से आ जाए और माकपोल समय से हो जाए, इसके बाद हमारा जो मतदान है समय से शुरू हो। कितने बजे से कितने बजे तक आपने मतदान का समय? 5:30 बजे तो माकपोल करवाना है। 15 मिनट इंतजार करेंगे एजेंट का, अगर वो नहीं आते हैं तो हम माकपोल जो है, और भी हमारे जो साथी लोग हैं, हमारा P1, P2, P3 है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, इनकी उपस्थिति में हम माकपोल करवा लेंगे। तो जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला दंडाधिकारी जो श्रीमान हमारे कलेक्टर महोदय बुद्धेश कुमार वैद्य जी, क्या उनकी आपको जो निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, आप संतुष्ट हैं आप उनसे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त पोलिंग बूथों पर आपने दौरे किए हैं, बराबर गश्त आपकी लगातार रही है, मॉनिटरिंग आपके द्वारा की गई है, पुलिस अधिकारियों द्वारा भी गश्त की गई है, सभी जगह पर जो मतदान रहा है उस मतदान में क्या रहा, मतलब लोगों को एक जागरूक भी आपने किया था, आपके द्वारा नुक्कड़ सभाएं भी की गई थी, लोगों को मोटिवेशन आपने दिया था मतदान के प्रति, लेकिन देखने में रहा कि लोगों ने कम तादाद में वोट किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गर्मी की जैसे कि हम देखें कि 26 अप्रैल और जो इसके पहले मतदान हुए 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहा है, उस हिसाब से हमारा परसेंटेज हमने जो करीब 75 तो हम 70% तक टच कर पाए हैं, और ये स्वीप की वजह से ही अचीवमेंट हमारा हो पाया है। और चूँकि थोड़ा गर्मी का माहौल है तो इस वजह से दोपहर में थोड़ी वोटिंग कम हो गई थी, अदरवाइज सुबह और शाम में अच्छी परसेंटेज। अन्य जगह के मुकाबले में अपने यहाँ का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम मतदाताओं को लेना चाहेंगे, क्योंकि मतदाताओं ने हमारी अपील को, जो हमारी निर्वाचन आयोग है उसकी अपील को स्वीकार किया और अपने मताधिकार का प्रयोग। सर, जैसा कि लटेरी तहसील काफ़ी बड़ी तहसील है और सुरक्षा की दृष्टि से कई जगह पर आपको पॉइंट्स लगाने पड़े होंगे, कई पोलिंग
बूथ बनाए गए थे, कितने पोलिंग बूथ थे लडेरे में? ये कुल अगर बोले 130 मतदान पूरे अनुभाग के, जैसे आनंदपुर हो गया, मुरवा, सोनासी कला, लडेरे, तो अगर हम शामिल करें तो क्योंकि उसमें सिरोंज विधानसभा के और सिरोंज तहसील के भी कुछ मतदान केंद्र हमारे थानों में आते हैं, और दो SST पॉइंट्स थे, एक चंदेरी पे था और एक रहीमपुर जो अरुण जोड़ है वहाँ पे SST पॉइंट्स लगे हुए थे, 13 सेक्टर मोबाइल्स थी और सभी थानों में, मतलब मुरवास, आनंदपुर, लटेरी और उनासी कला, इसमें QRT जो एक क्विक रिलीफ जो टीम होती है वो भी उसमें, होम गार्ड साथ में थी और मेरे साथ भी होम गार्ड थे। जैसा कि सर आपने बताया कि सभी जगह पे आपने पॉइंट्स लगाए गए थे, तो क्या सभी जगह से आज के विषय में शांतिपूर्ण समाचार मिले हैं? अभी तक की स्टाफ जो पोलिंग पार्टी के साथ लगा हुआ है, हमारे सेक्टर मोबाइल हैं पूरे क्षेत्र में, हमारी QRT मोबाइल है, थाना मोबाइल है, इस प्रकार बहुत सारी व्यवस्थाएँ स्तरीय लेवल की व्यवस्थाएँ लगी हैं, शासन प्रशासन और एडिशनल बल भी दिया हुआ है, जिसका उपयोग हम लोग जो है क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कर रहे हैं। पोलिंग पार्टियां हमारी पहुंच चुकी हैं। आपके थाने को जिले से कितना अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है? थाने से हमारे को QRT के रूप में एडिशनल बल दिया गया है, जिसमें 4-5 लोग जो है सेक्टर पुलिस मोबाइलों के लिए एडिशनल बल दिया गया है, और पोलिंग स्टेशनों पे विदिशा मतलब हेडक्वार्टर लेवल पर बल लगाए गए।